इस बीच एक और बड़ी खबर आपको पौड़ी से बता रहे हैं, जहां सिमली में हुए बस हादसे के मामले में प्रशासन की लापरवाही सामने आई है। 21 दिन बाद प्रशासन जागा है। दरअसल हादसे में हुए घायल और मृतकों के परिजनों को राशि बांटी गई है। वहीं अधिकारियों ने जो राशि प्रदान की है वो कम ज्यादा राहत राशि प्रदान की गई है। बता दें कि मृतक आश्रितों को पौड़ी और दून में एक एक लाख रुपए की राशि प्रदान की गई है, तो वहीं हरिद्वार में दो दो लाख रुपए की राशि प्रदान की गई है। वहीं आपको बता दें कि घायलों को कहीं 10,000 रुपए दिए गए हैं तो कहीं 50,000 रुपए के चेक बांटे गए हैं। वहीं 4 अक्टूबर को सिपड़ी में ये जो बस दुर्घटना हुई थी उसमें 34 लोगों की मौत हुई थी और 19 लोग घायल हुए थे। वहीं घायल हुए लोगों को जो राशि प्रदान की गई है इसमें बंदरबांट किया गया है, हालांकि ये अभी फिलहाल में पता नहीं चल पाया है जिस तरह से प्रशासन की लापरवाही सामने आई है। वहीं इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता भगवान सिंह जुड़ गए हैं। भगवान सिंह, सिमली में हुए बस हादसे के मामले में प्रशासन की लापरवाही सामने आई है। पूरा मामला जो आपने बताया है कि 21 दिन बाद जो प्रशासन जागा है, हादसे में घायल और मृतकों को जो राहत राशि प्रदान की गई है, इसमें कहीं बंदरबांट का भी मामला सामने आया है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जनपद पौड़ी गढ़वाल में जो सिमड़ी में जो धीरो खाल क्षेत्र के जो लैंड शाम विधानसभा में जो हादसा हुआ था, उस हादसे में 34 लोगों की मौत हुई थी और 19 लोग जो घायल हुए थे। आप देख सकते हैं कि 4 तारीख की घटना है और 4 तारीख के बाद आज यहाँ पे जो तारीख का जो डेट है 27 अक्टूबर है, तो यानी कि 21 दिन बाद उनको मुआवजा दिया गया है और कहीं लापरवाही वहाँ पे सामने को देखने को मिली। और लगातार अभी भी यहाँ पे प्रशासन की बात करें तो आम जो जहाँ पे टू व्हीलर हो, जहाँ पे ज्यादा क्षमता होती है वहाँ पे उन चीजों को चेकिंग अभियान नहीं किया जाता है। गाड़ियों को जो तरह से रोडवेज बसें हो चाहे सरकारी बसों की बात करें तो सरकारी बसों में भी खचाखच भरा गया जाता है, क्योंकि सरकारी बसों को कोई भी चेकिंग नहीं कर पाता है। रोडवेज की जो बसें होती है जो पहाड़ी क्षेत्र में जो चलती है उनको कोई चेक नहीं कर पाता है। तो कहीं ना कहीं एक तरफ प्राइवेट गाड़ियों को तो आप चेक कर लेते हैं, लेकिन जो ये हादसा हुआ इस हादसे की वजह अभी तक प्रशासन को जो एक लापरवाही मानूंगा, क्योंकि इतने दिन के बीच के बावजूद भी प्रशासन कुंभकर्ण की नींद सोया पड़ा था। और जिसके बाद यहाँ पे लगातार कई चीजें मैं देखता हूँ कि सोशल मीडिया पे कई गाड़ियां पे छत पे भरे हुई जाती है। शादी ब्याह की बात करें तमाम प्रशासन इस पे क्यों ध्यान नहीं दिया जाता, लेकिन वही बात करें तो इस समय कहीं ना कहीं इस तरह से प्रशासन की लापरवाही है। और जिस तरह से 34 लोगों की मौत हुई थी, तो एक चीज सबसे ज्यादा अपडेट यह है कि जिस लड़की जहां बारात जानी थी काणा तल्ला में, अब तक क्योंकि उस लड़की के परिवार वालों ने भी दुल्हन का आरोप यही है कि मेरी क्या गलती थी, उनकी दुल्हन का यही कहना है कि मेरी क्या गलती थी, अगर ना मेरे वजह से हादसा हुआ है तब तो मैं यहाँ मेरे वजह से नहीं हुआ है, ये हादसा उधर से हुआ है कि मैं इसमें क्या कर सकती। तो कहीं ना कहीं उस लड़की की जो दूल्हे ने मना कर दिया उस लड़की से शादी करने के लिए, तो वो लड़की अब सोशल मीडिया पे लोग तमाम कई चीजें जिगर आ रहा है, लेकिन प्रशासन को इस पे जरूर ध्यान देना चाहिए ताकि इस तरह की घटनाएं जो होती है लगातार उत्तराखंड में होती है, आए दिन लगातार होती है। और सबसे ज्यादा मैं आपको बता दूं कि इस बार जो 2-2.5 महीने की बीच की बात बताऊं मैं, तो पौड़ी जनपद की बात करें तो अब से ज्यादा 40 लोग से ऊपर लोगों की मौत हो चुकी है। पौड़ी जिले की बात बता रहा हूं मैं, 2-2.5 महीने के आंकड़ा है काफी, क्योंकि इतना बड़ा हादसा जो हुआ था 34 लोग उसमें मरे थे, उसके बाद कई लगातार एक्सीडेंट होते जा रहे हैं, लेकिन क्यों नहीं प्रशासन इस पर ध्यान दिया जा रहा है। अब वहां पे प्रशासन जागा है कि ताकि उनको जो आर्थिक स्थिति जो मदद है वो दी जा रही, किसी को 10,000 रुपए, किसी को 50,000 रुपए, किसी को 1-1 लाख रुपए, किसी को 2-2 लाख, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे तो अधिकारियों से जो लापरवाही बरती गई है, जिन अधिकारियों से लापरवाही है उन पर किस तरह की कार्रवाई अब तक की गई है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, कभी भी जांच जो होती है मुझे बड़ा दुख होता है जब प्रशासन के अधिकारी कहते हैं कि इस पे जांच होगी और क्या, लेकिन जांच कहां तक होती ये मुझे पता नहीं, खाली उनकी जो हमारा बाइट में होता है वो जांच वहीं तक सीमित होती है, उसके बाद वो जांच कभी आगे तक नहीं पहुंचती है, क्योंकि जांच जब भी अधिकारी को पूछा जाता है इस पे जांच होगी, मेरी समझ में ये नहीं आता कि जांच के बाद कुछ और ऑप्शन इनके पास होता है या नहीं होता है, इसके जवाब से लेके उनको सही है कि सीधा मीडिया को बोल दो कि जांच हो जाएगी, जांच कब होगी मेरे को ये समझ नहीं आता। लेकिन मुझे भी बड़ा दुख होता है जब मैं कई बार अधिकारियों की बैठ लेने जाता हूं तो इसमें क्या कार्रवाई होगी, तो वो कहते हैं कि जांच होती है इसमें, लेकिन जांच मुझे अभी तक कोई भी जांच इस तरह से नहीं लगती कि जिसपे देखने वाली बात होगी कि आखिर जो लापरवाही अधिकारी है उन पर कार्रवाई कब तक होती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपको तमाम जानकारी देने के लिए। बड़ी खबर आपको पौड़ी से बता रहे हैं, जहां सिमली में हुए बस हादसे में
हादसे के मामले में प्रशासन की लापरवाही सामने आई है, जो 21 दिन बाद प्रशासन जागा है और हादसे में हुए घायल और मृतकों के परिजनों को जो राहत राशि बांटी गई है उसमें बंदरमाट का भी मामला लगभग सामने आया है।